हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो सब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, या साइंस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं। इसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 1 है आज, और टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है क्यूब शेप का। इस फिगर के हेल्प से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे जो राइट हैंड साइड में दिए गए हैं। बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 एक्सिस दिख रही हैं, एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ये जो 3 एक्सिस हैं, उसमें जो x है वो एक कोऑर्डिनेट हो गया, जो y है वो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, और जो z है वो तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब हम इन तीनों के हेल्प से किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं या किसी लाइन को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 हैं, x, y एंड z। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट यानी 1 होता है, और ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कोई भी वेक्टर होगा, उसमें 2 क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड इन यूनिट वेक्टर्स का 1 है, इसीलिए ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज होंगे। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं कहीं भी इन द स्पेस। इस पॉइंट पर मुझे ax, ay और az, ये जो तीनों यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर हम एक्चुअली कैप लगाते हैं, इस तरीके से जो कैप दिया हुआ है, तो ये यूनिट वेक्टर शो हो रहे हैं। यहां पे पॉइंट मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पे मुझे ये तीनों यूनिट वेक्टर चाहिए। तो देखिए यहां पर ax जब मुझे निकालना है, तब मैं क्या करूंगा, यहां से x के पैरेलल एक लाइन ले लूंगा। एग्जैक्टली इसमें ड्रॉ नहीं हो पा रही है, बट आपको x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले, वो यूनिट वेक्टर ax हो गया, दिस इज ax। अब जब हम ay की बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले लेनी, ये यूनिट वेक्टर ay हो गया, जो y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को शो कर रहा है। और az की बात करें, इस पॉइंट पे az की डायरेक्शन होगी, या az होगा ऊपर की ओर, ठीक ऊपर की ओर। ओके, सो ये तीनों वेक्टर जो हैं, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, एक पॉइंट यहां पे ले लिया हमने, तो x एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल लाइन यहां से लेंगे वो ax हो जाएगा। एग्जैक्टली पैरेलल लेना है यहां पर, और y के यहीं पे ay चाहिए, तो y एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन, और az चाहिए तो z एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन। सो दीज आर 3 यूनिट वेक्टर्स। ओके, और ये तीनों ही के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हमको दिख रहा है। देखिए x से y के बीच का, y से z के बीच का, और z से x के बीच का, तीनों ही एंगल 90 डिग्री है। ये कंसेप्ट आपको आगे काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल लेंथ। कोई भी डिफरेंशियल लेंथ ले लेते हैं हम, यहां से इसका एक पॉइंट तक, ये कहीं भी स्पेस में है। ये जो मेरी लेंथ है, ये डिफरेंशियल लेंथ है, वेक्टर फॉर्म है इसका। 3 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा ये, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। ओके, तो हमको पता है वेक्टर में 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो इसका एक्स के अलोंग जो, देखिए क्या करते हैं हम, यहां से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज 2D पे हमने 3D फिगर को बनाया है। तो ये हो गया हमारा dx ax, मीन्स यहां से लेके यहां तक का इसका कॉम्पोनेंट हो गया। इसमें इसका मैग्नीट्यूड हुआ dx, और इसका डायरेक्शन हुआ ax। ओके, ये आपका
एक्स के अलोंग हो गया, फिर इसी पॉइंट का वाई के अलोंग एक कंपोनेंट निकाला जाता है, यहां पे ड्रॉप करते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ डी वाई ए वाई, जहां पे डी वाई इसका मैग्नीट्यूड है और ए वाई इसकी डायरेक्शन। फिर इसी को ड्रॉप करते हैं जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और यहां से यहां तक की लेंथ जो होती है वो होती है डी जेड ए जेड वेक्टर फॉर्म, जहां पे डी जेड इसका मैग्नीट्यूड और ए जेड इसका यूनिट वेक्टर। ओके, तो डिफरेंशियल लेंथ जो है उसके तीन कंपोनेंट हो गए, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। क्योंकि वेक्टर है इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड आ जाएंगे पहले, और फिर बाद में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी, इसलिए ये डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर के फॉर्म में बताई गई। इसके ऊपर ये बार बनाए, मीन्स इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट डिफरेंशियल एरियाज की बात करते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंशियल एरिया जो दिया है वो दिया है dx dy az। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई dx और यहां से यहां तक की लेंथ हो गई dy, मींस ये नीचे का एरिया है। ओके, ये वाला एरिया है, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, और ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जा रहा है का मतलब ये हुआ कि जब ये क्यूब को बनाना है तो इस एरिया को मुझे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, तो इस z की ओर जा रहा है, इसलिए यूनिट वेक्टर यहां पे क्या है az। और फाइनली आप देखेंगे ये एरिया यहां पर आ जाएगा जब ये वाला पर्टिकुलर क्यूब बन गया, मींस ये आपकी dx लेंथ है, सॉरी ये आपकी dx लेंथ है और ये आपकी dy। ओके, और ये इसका एरिया की डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री है, हमको पता है एरिया की डायरेक्शन जो होती है उसकी जो दोनों लेंथ जिस एक्सिस के अलोंग है उससे ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पे ये जो एरिया हो गया az। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं dy dz। सो आपका ये dy है और ये dz, ये वाला एरिया, और ये आगे की ओर आता जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसलिए यूनिट वेक्टर यहां पे एक्स है। फाइनली ये कहां पर आया, यहां पर आ गया। ओके, सो इट इज सेकेंड एरिया। थर्ड एरिया डी जेड डी एक्स एंड यूनिट वेक्टर ए वाई, तो डी जेड ये है आपका और dx ये, मींस ये वाला एरिया लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये कहां ट्रेवल कर रहा है y के अलोंग, फाइनली कहां आएगा ये, यहां पर आ जाएगा, इसलिए इसमें यूनिट वेक्टर जो है वो ay। ओके, सो दीज आर एरियाज। एक्चुअली इस क्यूब में 6 एरिया हैं, मैंने यहां सिर्फ 3 की बात की, बाकी जो 3 है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे। अभी इनिशियल समझाना था इसलिए क्योंकि नीचे वाला एरिया उसकी डायरेक्शन को हम नीचे मानते हैं और ऊपर वाला डायरेक्शन है उसका ऊपर मानते हैं, तो ये अगर प्लस az जा रहा है ये वाला तो ये माइनस az में जाएगा, ऐसे ही मतलब इनके जो दूसरे जो एरियाज होंगे, दूसरे फेजेस होंगे, अपोजिट फेजेस, उनमें माइनस साइन आएगा। ओके, वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे 3 एरिया हो गए और यहाँ पे तीनों वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इनके ऊपर ये बार बनी। नेक्स्ट डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम हमको पता है इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 लेंथ, तो यहाँ पे dx एक लेंथ है, dy एक लेंथ है और dz एक लेंथ है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने dx dy एंड dz, तो वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे कोई बार नहीं बना, कोई लाइन नहीं बनी और यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर भी नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। जो एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज एग्जाम्पल है बलून की बात कर लें आप, फुटबॉल की बात कर लें, जिसपे हम हवा भरते हैं तो वो सभी डायरेक्शन में एक्सपांड होता है, इसलिए उस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी नहीं होती, इसलिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। देखिए जैसा यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, ये एक्स में एडवांस हो रहा था या एक्स में प्रोसीड कर रहा था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसकी डायरेक्शन एक्स हो गई। ये वाई के अलॉन्ग प्रोसीड हो रहा था, इसकी डायरेक्शन ए वाई हो गई या वाई हो गई, और ये जेड के अलॉन्ग प्रोसीड हो रहा था तो इसकी डायरेक्शन ए जेड। ऐसे यहाँ पे ये जो
लेंथ की बात हो रही ऊपर। अब जो एरिया की बात करें, ये एजेड के अलॉन्ग प्रोसीड हो रहा था तो इसकी डायरेक्शन एजेड, ये अकेला एक्स के अलॉन्ग प्रोसीड हो रहा था और ये अकेला वाई के अलॉन्ग प्रोसीड हो रहा था। ओके नाउ इसलिए यहाँ पे जिस भी डायरेक्शन में प्रोसीड होती है क्वांटिटी या जिस भी डायरेक्शन में एडवांस होती है वो इसकी डायरेक्शन होती है, बट इन केस ऑफ वॉल्यूम देयर इज नो एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट, इसलिए यहाँ पे इसमें कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। सो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।